नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है लर्न इंग्लिश में। और प्रोवर्ब्स पढ़ने वाले हैं, हिंदी के ऐसे प्रोवर्ब जिनको आप लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। अगर आप न्यू कमर्स हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, कई बार कहते हैं ना कि निराशा निराश क्यों होते हो, उम्मीद की किरणें अभी भी बाकी हैं, तो जहाँ निराश वहाँ आस। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एवरी क्लाउड हैज़ ए सिल्वर लाइनिंग। बहुत ही इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट लाइन है जो बहुत जगह काम आती है। और कई बार बहुत सारी वैकेंसी जाती हैं तो स्टूडेंट्स को कहा जाता है ना, भाई बहती गंगा है हाथ धो लो, तो मैक है वाहिल द सन साइंस, बहती गंगा में हाथ धो लो। अर्थात जब कोई वर्क चल रहा होता है, कोई कंडीशन ऐसी आती है, कोई सिचुएशन ऐसी आती है, तो हम लोग अक्सर ऐसी बात करते हैं कि भाई अभी तो मौका है, फ़ायदा उठा लो। दैट टाइम वी कैन वी यूज़ दिस प्रोवर्ब। और अपन कहते हैं ना भाई, जो जैसा करता है ना उसके साथ में वैसा ही करना चाहिए, या जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। तो टिट फॉर टैट बहुत सिंपल सी है, आपको याद भी होगी। तो टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, जैसी करनी वैसी भरनी। तो जैसा जो काम करता है उसके साथ वैसे व्यवहार करें। अपन कहते हैं ना, एक साथ दो काम हो जाएंगे, तो एक पंथ दो काज, टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। बहुत ईजी है, और एग्ज़ाम के लिए भी ये प्रोवर्ब वाला पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपिटेटिव एग्ज़ाम्स में प्रोवर्ब का पार्ट आता है, जिसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अपन कहते हैं ना यार, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। कोई एक कैंडिडेट अपने बीच में से ऐसा होता है ना, जो ऐसा होता है, तो अपन कहते हैं ना, अरे यार एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। सो दैट यू कैन यूज़ इन इंग्लिश, अ ब्लैक शिप इन्फेक्ट्स द होल फ्लॉक। अ ब्लैक शिप इन्फेक्ट्स द होल फ्लॉक। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। अपन कहते हैं ना, एक खराब तो सबका ही नाम खराब कर देते हैं। तो उसी तरीके से आप लोग यूज कर सकते हैं इसको, कितना सिंपल है। तो आप न्यू कमर्स हैं यूट्यूब चैनल पे, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो वीडियो अपलोड करते हैं आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए, इसलिए बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। अपन कहते हैं ना कि यार नाम बड़े दर्शन छोटे, या अपन कहते हैं यार ऊंची दुकान फी फीके पकवान। सो आप लोग यूज कर सकते हैं, इसलिए ग्रेट पोस्ट लिटिल रोस्ट। तो आपके लिए ये सिंपल सी प्रोवर्ब है जो आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ऊंची दुकान फीके पकवान, बोले तो नाम बड़े और दर्शन छोटे। तो ग्रेट बॉस्ट लिटिल रॉस्ट, दिस इज द सिंपल प्रोवर्ब दैट यू कैन यूज व्हेन यू वांट टू स्पीक इंग्लिश। आप फिगर अमोंग साइफर्स, यानी कि अपन कहते हैं ना अंधों में काना राजा, भाई जहाँ कोई कुछ भी नहीं जानता, जिसको मालूम नहीं होता, और वहाँ पर एक व्यक्ति राज कर रहा है, तो हम लोग उसको कहते हैं यार अंधों में काना राजा, भाई कि इनको कुछ मालूम नहीं है और इनमें थोड़ा सा समझदार है, वो अपना फ़ायदा उठा रहा है। तो इस तरह से हम लोग ये प्रोवर्ब यूज करते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सी प्रोवर्ब है जो आप लोग यूज कर सकते हैं। और एक कहते हैं ना कि कई आदमी अपनी अपनी तारीफ खुद ही खुद करते रहते हैं। अपन कहते हैं ना अरे यार, तो खुद की तारीफ खुद मत कर, तो अपने मुँह है मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी तारीफ स्वयं करना। तो सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन, ठीक है। तो अभी देखो कितनी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट प्रोवर्ब पर पढ़ने, पहली अपन ने पढ़ी थी फिगर अमंग साइफर्स, जिसका मैंने बताया था अंधों में काना राजा। अगला है माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, बहुत बार काम में आता है। तो जुड़े रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं।